भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के सिंगापुर के सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए। इसके साथ ही कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में इसरो एक कदम और आगे बढ़ गया। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने इस कामयाबी पर वैज्ञानिकों और दुनिया के ग्राहक देशों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले वक्त में इसरो और क्या कुछ कमाल करने वाला है। 7 6 5 4 3 2 1 0 अंतरिक्ष में एक बार फिर शानदार उड़ान। PSLV C-56 फर्स्ट स्टेज बर्निंग ब्राइट एंड द थ्रस्ट इज रिपोर्टेड टू बी नॉर्मल। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए हैं। रविवार सुबह 6:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-56 के जरिए इन उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया। PSLV C-56 रॉकेट की ये 58वीं उड़ान है। इसके साथ ही PSLV C-56 ने सभी 7 सैटेलाइट को उनकी कक्षाओं में सटीक रूप से स्थापित कर दिया। इसरो की ओर से बताया गया है कि ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। This is a mission of the PSLV for NSIL and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore. Congratulations once again to NSIL and Singapore satellite. इसरो ने सिंगापुर के जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उनमें प्रमुख है DSSAR। ये सैटेलाइट हर मौसम में दिन और रात में भी तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसके अलावा वेलॉक्स AM टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर माइक्रो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया। साथ ही आर्केट यानी एटमोस्फियरिक कपलिंग एंड डायनेमिक एक्सप्लोरर नाम का एक प्रायोगिक सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया। स्कूब 2 नाम के नैनो सैटेलाइट का भी प्रक्षेपण हुआ जिससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की निर्बाध सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ग्लाजिया 2 नैनो सैटेलाइट और ORB-12 स्ट्राइडर सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजा गया। इतना ही नहीं, PSLV के जरिए इसरो भविष्य में और भी कमाल करने की तैयारी में है। All of you know that the PSLV is now going to get industrialized and in coming days we will be seeing fully industry owned PSLVs being launched and that we are targeting early next year. But this year itself we are going to have very exciting missions. The PSLV is going to be flying again. As I mentioned, we are going to have the mission of the Gaganyaan test vehicle, which is currently getting integrated. We are also planning to have the launch of the SSLV in its 3rd development mission, as well as the GSLV mission for launching inside 3DS. ये भी बता दें कि कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में इसरो ने अहम मुकाम हासिल कर लिया है। सिंगापुर के 7 नए सैटेलाइट सहित इस साल इसरो अब तक 53 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। 1999 से अब तक इसरो 431 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इससे 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक यानी 33 अरब से ज्यादा कमाई हो चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और सिंगापुर सैटेलाइट लॉन्चिंग में भारत के सबसे बड़े ग्राहक हैं। जाहिर है उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भारत अब तमाम देशों का पसंदीदा मुकाम बन चुका है। दुनिया के बड़े देश भी स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का लोहा मान रहे हैं और भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, जो क्षेत्र में देश की शानदार कामयाबी का संकेत है। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सैटेलाइट लॉन्चिंग के मामले में भारत का इसरो काफी आगे निकल चुका है। बड़े बड़े देश अब सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए इसरो की सेवाएं ले रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका, फ्रांस, चीन जैसे कई देश अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में काफी आगे हैं, फिर भी बहुत से देश आखिर अपने सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए भारत के ही सामने क्यों लाइन लगाए खड़े रहते हैं। इसकी कई सारी वजहें हैं जो हम आपको विस्तार से बताने और दिखाने जा रहे हैं। खास बात यह है कि गिने चुने देशों के पास ही सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पास सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम मौजूद है। पॉलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी को दुनिया के सबसे विश्वसनीय लॉन्चर्स में से एक माना जाता है। वो बिना किसी चूक के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग की लागत कई देशों के मुकाबले काफी कम है। कम खर्च के कारण तमाम देश भारत से सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहते हैं। और बड़ी बात देखने वाली ये कि सैटेलाइट लॉन्च में भारत की विशेषज्ञता का लोहा सभी मान रहे हैं।